गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? देखिए आज हम लोग जो है अपनी पंचायत में मेला लगा हुआ है, राधा कृष्ण मंदिर है, वहीं आए दोस्त ये हुए दिखिए दोस्त। अभी यहाँ पर जो है मस्तीपुर कार्यक्रम रखा गया है, ठीक है, जैसे ही होता है आप लोगों को हम दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है ना, जो करना था वो तो कर लिए, चाय पी के आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर मछली खोला जा रहा है, ठीक है। और वैसे तो मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है, आप लोग देखिए यहाँ पर मेला बहुत अच्छा भव्य लगा हुआ है। ये मेला का दृश्य वहाँ देख रहे हैं, जो लास्ट लाइट जल रहा है, घर से लोग आ रहे हैं, उधर पड़ता है तो सहोरिया गाँव पड़ता है, और ये मेला लगा हुआ है बलुआहा में, हमारे ही पंचायत में पड़ता है। देख लीजिए आप लोग, ये राधा कृष्ण मंदिर है बलुआहा में स्थित है, और जब भी जन्माष्टमी आता है तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यहाँ जो है मेला लगता है। मेला में मटकी फोर कार्यक्रम होता है और कुछ नाच गान का भी कुछ प्रोग्राम होता है। कौन आने वाला है यहाँ पे गाना होना के लिए? मिस माया, वही बंगाल की जो है वो नर्तकी है, मिस माया गायक भी है, वही आने वाली है, कल उनका प्रोग्राम है, तो कल भी आएंगे, आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। वहाँ देखिए तिरंगे में जो तिरंगा का कलर है, बैलून है हरा उजला और केसरिया, और उसी के बीच में लटका हुआ है मटकी, वही मटकी को फोड़ा जाएगा। बहुत सारे लड़कों ने तो कोशिश किया, बस ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे गिर जाता है धड़ाम से, अभी तक तो सफल नहीं हो पाए हैं ये लोग। देखिए धीरे धीरे अगर हो जाए तो हो जाए, तब तक आप लोग मेला का जो है कुछ दृश्य देख लीजिए। इधर झूला उला लगा हुआ है, बच्चे सब खेल रहे हैं, और इधर हमको बताए ही है कि चाय पीने के लिए आए हैं चाय वाले के यहाँ। देख लीजिए इनका चाय बन रहा है, क्या बोले? हाँ वहाँ वहाँ अभी नहीं पहुँच रहा, आते हैं आपको वहाँ दूर से। ये देखिए लड़के सब ऊपर चल रहे हैं, अब देखिए ये सफल होते हैं या नहीं इस बार मटकी फोड़ने में। आप लोगों को पता नहीं फूटा कि नहीं फूटा, फूट गया हो? हाँ शायद फूट गया, लेकिन पूरा तो नहीं फूटा है। देखिए हाँ लगता है शायद फोड़ दिया, इसलिए पूरा एकदम लोग खुश हैं। जमीन करके आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा, ये देखिए हाँ शायद फूट गया मटकी, आधा ही फूटा है। अभी उधर दोस्तों नहीं जा सकते हैं, कहीं उधर जो है ना गाना बज रहा है, हो सकता है मेरे ब्लॉग पे कॉपीराइट आ जाए, तो यहीं से दिखा रहे हैं आप लोगों को। मेला का आप लोग आनंद लीजिए। बहुत मजेदार मेला, बहुत दूर तक लगा हुआ है। इधर मेरा दोस्त अब जो है वो चाय पीने के बाजार में, चाय पी के फिर चलते हैं आगे। देखिए आंधी जो है वो बहुत आ चुकी है, आंधी हवा तूफान देखिए किस तरह से आ गया है, लगता है बारिश होगा, बारिश होगा तो मेला का तो मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है सब अपना अपना दुकान जो है वो लगा के है, इधर सोडा शॉप, इधर आइसक्रीम, जो जिसको खाना है खाइए, इधर भी जूस मिल रहा है, हुआ इधर बालून मिल रहा है। देखिए चलिए मंदिर की तरफ, मंदिर की तरफ देखिए, चलिए आप लोगों को मंदिर के तरफ ले जाते हैं, जिस मंदिर पे मेला लगता है। ये देखिए इधर मट्टी फिर से पूरा पूरा फूटा नहीं जाता, तभी तो फिर से पूरा है। इधर जो है यही मंदिर है, छोटा ही मंदिर है, अभी इससे पहले बार लगा था मेला, दूसरी बार यहाँ पे मेला लगी हुई है, धूप तो बहुत ज्यादा है।
यहाँ पर वही माया जी का जो है वो उद्घाटन कार्यक्रम चलेगा। कल भी आएंगे आप लोगों को कार्यक्रम जमीन मिट्टी है आगे बढ़ाते रहिए। बस यही आपसे दुआ करते हैं। आप लोग बताइएगा कि किस तरह है यहाँ का सारा व्यवस्था, कैसा लगा आपको यहाँ का मेला, ठीक है। चलिए तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं, इधर तो डांस चल रहा है। भगदर मच चुका है पूरी तरह से, कहा है कि बारिश जो है बहुत होने लगी है, भगदर मच चुका है मेला में, पूरा का पूरा मेला पानी होने वाला है। लोग भी जा रहे हैं दूर से, देखिए पूरा मेला जो है खाली हो रहा है। सवाल भी नहीं गया, बहुत दूर है दौड़ के, बहुत खाएगा, बहुत दूर, बहुत दूर में गाड़ी है, ये देख लीजिए। लेकिन मजा भी आ रहा है। हम लोग का गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ, बाप रे, उतनी दूर माने भीग गए हो, लेकिन हुआ, लेकिन मेला तो दिया है चिकरा। हाँ देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, ठीक है, अल्लाह डर दीजिए थोड़ा, बेटी थोड़ा सबका, ये लोग तो कम भीगे हैं। ये देखिए हमको, देखिए हम पूरा भीग गए। अब चलिए गाड़ी में बैठ गए हैं, चलते हैं आगे। चलिए हाँ देखिए मेला का सीन आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा दम ले लेते हैं। देखिए हम लोगों का गाड़ी जो है वो रवाना हो चुका है, यहीं से भागे थे अभी दौड़ के बारिश के कारण, और फिर से उधर ही जा रहे हैं। इस पर सर के ऊपर जो है ना छत है गाड़ी का, तो भींग नहीं रहे हैं। देखिए तो शीशा डाउन करें, पानी आ रहा है, लेकिन ये देखिए हल्का फुल्का आ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा निकाल देंगे। ये देखिए मेला में तो लोग जो है पूरा एकदम भीड़ इकट्ठा हो गया है, सब एक ही पंडाल में, कोई मंदिर पे है, कोई स्टेज पे है, क्या हुआ दादी, तुरंत ही देखिए मेला का रौनक जो है वो गायब हो गया लगता है। सब अपना अपना जो है भीगने से बचने के डर से सब अपना अपना कहीं जाइए जाकर के छुप गया है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं अपना मेला का मजा जो ले रहा है। देखिए गाड़ी के शीशा पे पानी है जिसके कारण दिख भी नहीं रहा है। आप लोग को दिखाते हैं मंदिर सब का भी सीन, ये देख लीजिए अभी देखिए कितना भीड़ था, यहाँ पैर रखने का जगह नहीं था, फिर बारिश शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो हम बंद कर रहे हैं शीशा का गेट। हाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, तो हम लोग मेला को करते हैं बाय। सब तरफ लोग छुपे हुए हैं,
देखने से ताकि देख नहीं जाए। तीसरी जगह का जो है ना कभी बाद में बताएंगे फुर्सत से कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उसे जा रहे हैं अभी तिवारी मंदिर होकर के, तो तिवारी मंदिर का भी आप लोगों को अभी दर्शन करवा देंगे शाम के समय का, ठीक है। तो आप लोग भी चलिए हम लोगों के साथ, हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं अभी, क्या है अब लास्ट ही समय है घूमने का हम लोग का, क्या है किसका भी अब बिकी का शादी उदी होने वाला है, अभी भी तो अपना दुल्हन को घुमाएगा, हम लोग को कौन घुमाएगा बिकी या नहीं था। अरे करियन मत बोले हमारा के पूछते अभी एक वो लड़का जा रहा था रास्ता में, उसका 500 रुपया था मेरे यहाँ बिकी बोल दिया बलराम भैया जाए छा, लेकिन कल ये ना अपने पहले दे देंगे बाद में कभी, ठीक है। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, किसी का कर्जा खाए नहीं है, बोलते जा रहा था तो किसका नहीं पास रहा था, उसका तो साला 500 था, मेरा तो 5,00,000-2,00,000 ऐसे है। अब देखिए गौ माता हट नहीं रही है, क्या करे। हे गौ माता आज जन्माष्टमी छे हट जा के बेटा, तो ठीक है। आगे देखिए रोड का व्यू, वहाँ पे एगो गाड़ी लगल है, क्या है बिकी BR-10W-67 रात में की ये देखिए लाठी लेकर हम लोग को घेर रहा का है, हम लोग चोरी करके आ रहे हैं की गजबे आदमी सब, ठीक है। आपको अब हम मंदिर का व्यू दिखाएंगे, आप ही लोग बताइए ये जो न्यूज में जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए रोड पे लकड़ी कहाँ पे जमा, बगल में हनुमान जी है, ये सब देखते हैं नहीं हनुमान जी। हम लोग का गाड़ी उतर जाएगा रोड से नीचे, ठीक है। हाँ आप थोड़ा सा और इधर, थोड़ा सा और इधर, हाँ चल बस इसी एंगल में जाने दीजिए। राजा तू निकल के कंटा लकड़ी उठा के लाके, लकड़ी उठा गाड़ी में रख लो, करे चो भाजी लकड़ी हमारा के गाड़ियों पर कना जाइए तब नाम देखिए। हम लोग का दोस्त देखिए उतर उतर के एकदम साफ कर रहा रास्ता को, यही नौकरी मिला है इसको क्या, गजबे आदमी सब है यहाँ का। अब है देखिए ये सबको, बाप रे बाप, यहाँ विश्वकर्मा बाबा भी हैं, जय हो विश्वकर्मा बाबा। ये लोग का तनिका ज्ञान दो रास्ता पर नहीं रखल करिए। आए भोला बाबा तोरा गोर लागे छिया, नहीं आज जन्माष्टमी है तो हे कृष्ण भगवान गोर लागे छिया, हमार ब्लॉक के जल्दी से ना फेमस कह दो ताकि कमेबे तब ना लुटेबे की तब ना और घूमत रह। एगो हम भी गाड़ी खरीद लेंगे, अभी तो गाड़ी नहीं है, कौन सी है मेरे पास, हाँ स्प्लेंडर है 94, हाँ नहीं 94-48 94, हाँ देखिए देखिए रास्ते पर सब कुछ कर रहा है, सब गलत बात है। ये हुआ हम लोग का घर से दिवाड़ी जाने का रास्ता, अभी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ से दिवाड़ी माँ कितनी सुंदर लग रही है। मंदिर आजकल जो बन रहा है ना, गजब का मंदिर बन रहा नहीं हो बिकी, ऊपर से तो गोल्डन कलर दिया है और मस्त लगता है। बिकी का जो शादी हो जाएगा ना, तो बिकी की शादी में जानते हैं गाना कौन बजेगा, हम ना रात में अपना बेटी को सुलाते हैं ना, नहीं सोती है तो उसको लोरी कहती है सुनाने के लिए उसकी मम्मी, तो लोरी उरी आता है नहीं हमको, तो हमको एक गाना याद है, सुनाइए। हाँ गाना है क्या, कते से लैलो हो बाबा हरदी के टोनवा, तो हम कहते हैं फिर सहरसा हम गलियो मधेपुरा गलियो, ओही से लैलियो गे बेटी हो हरदी के टोनवा। चलिए हड्डी के टोनवा हो गया, मंदिर का व्यू देखिए, दिख रहा है मंदिर नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा है, चलिए मंदिर के पास जाके दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग दिवाड़ी मंदिर दिवाड़ी स्थान पहुंच चुके हैं, देखिए मंदिर कितना विशाल बना हुआ है, ऊपर ऊंचाई बहुत है। बिहार का कितना हो दूसरा की तीसरा स्थान मिला है इनको दिवाड़ी स्थान मंदिर को, बड़ा ही मूवमेंट है यहाँ पे, देख लीजिए दिवाड़ी स्थान, वैसे तो ब्लॉग में दिखाए ही हैं आप लोगों को, तो ठीक है अब आप लोग बने रहिए, अब हम लोग आते हैं एक जगह से घूम फिर के,
तब फिर आपके पास आएंगे बात करने के लिए, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू।